भीलवाड़ा जिले को ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है। इसके चलते 4 मई को कुछ क्षेत्रों में ढील दी गई थी, लेकिन लोगों की आवाजाही को देखते हुए दोबारा से कर्फ्यू लगा दिया गया था। अब फिर से भीलवाड़ा शहर में कर्फ्यू में ढील देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगर परिषद की ओर से चिन्हित दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनवाए गए हैं। इसके साथ ही सप्ताह में 3 दिन ही दुकानें खोलने का फैसला लिया गया है। जन सैलाब उमड़ चुका था और सोशल जो डिस्टेंसिंग थी उसकी धज्जियां उड़ाई गई थी, उसको देखते हुए वापस प्रशासन ढील देने की तैयारी कर रहा है। हर दुकान पर निशान बनाए जा रहे हैं, जो चुनिंदा दुकानें खुल रही हैं उन पर ये निशान बन रहे हैं, चुनिंदा दुकानों को ही परमिशन है। और प्रशासन की बात करें तो ये थाना वाइज जो इनका नया प्लान है कि थाना वाइज इसमें इनको छूट दी जाएगी, तो हम बात करते हैं अभी नगर परिषद के एक्शन जो है हमारे साथ अखेराम जी कि सर ये क्या है व्यवस्था। अभी जिला प्रशासन द्वारा हमको ये निर्देश प्रदान किए गए हैं कि जिस प्रकार से 4 तारीख को कर्फ्यू खोला गया था, भीड़ इकट्ठी हो गई थी और कोरोना महामारी का किसी प्रकार का उनके दिमाग में कोई भय नहीं था, तो प्रशासन को हाथों हाथ उसको बंद करना पड़ा। अब नई कवायद के तहत पूरे शहर में जो चुनिंदा दुकानें हैं, जो आवश्यक रोजमर्रा की दुकानों के सामान की दुकानें हैं, उन दुकानों को खोलने की बात की जा रही है, जिसके तहत नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा प्रत्येक दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 1 मीटर बाय 1 मीटर के दूरी के ऊपर गोले बनाए जा रहे हैं, जिसमें आदमी खड़ा होकर के और अपना सामान ले सके। इसके अलावा शहर में जो सैनिटाइज के लिए पूरे शहर में हमने लगभग 200 कर्मचारी, हमारे सफाई कर्मचारी, इंस्पेक्टर और जमादारों को जिम्मा सौंपा गया था, जिसमें 31 पोर्टेबल मशीनें थी, जो इसमें सारे शहर को एक 4-4 बार 5-5 बार सैनिटाइज किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त हमारे पास मशीनरी थी, जैसे फायरिंग गाड़ियाँ 3, एक छोटी फायरिंग गाड़ी, 2 जेटिंग मशीन है और 31 पोर्टेबल मशीन है। इनके माध्यम से 2 ट्रैक्टर छोटे ओवर में पोर्टेबल मंगाए, जो छोटी गली में जा करके और उसकी सैनिटाइज किया जा सके। इस प्रकार से हमने पूरे शहर को 4-5 बार सैनिटाइज किया जा सका। लगभग 50 से 60 हज़ार लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड हमने क्रय करके और पूरे शहर में छिड़काव किया जा चुका है। अब लास्ट एक बार और हम सोच रहे हैं कि जहाँ जहाँ मांगा वहाँ जहाँ भेज रहे हैं, सभी सरकारी कर्मचारी दफ्तरों में भी हम सैनिटाइज करवा रहे हैं और मांग अनुसार वो भेज रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि 1-2 दिन बाद में जब खुल जाएगा लॉकडाउन, तो फिर हम एक बार पूरे शहर को सैनिटाइज करवाएंगे। तो ये हमारे साथ थे एक्शन नगर परिषद अखेराम जी, जिन्होंने बताया कि पूरे शहर में चुनिंदा दुकानों के बाहर 1 मीटर बाय 1 मीटर के खांचे बनाकर व्यवस्था की जाएगी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां न उड़ सके। मैं कैमरा पर्सन गोविंद पाइक के साथ योगेश शर्मा A1 TV।